सड़कों पर काल बनकर घूम रहे गौवंशियों पशुओं से निजात दिलाने के लिए हल्दूचौड़ सहित आसपास के ग्रामीण एकत्र होकर लालकुआ तहसील पहुंचे, जहां तहसीलदार को ज्ञापन देते हुए समस्या के निजात दिलाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़कों पर बैठे या घूम रहे पशुओं की वजह से आए दिन दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है और आने जाने में राहगीरों को परेशानी होती है। इतना ही नहीं, इन पशुओं की वजह से ग्रामीणों की फसल को भी नुकसान हो रहा है, मगर गौशाला में स्थानीय पशु को न रखकर बाहर के पशुओं को रखा जा रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि यदि एक सप्ताह के भीतर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं तहसीलदार मनीष बिष्ट ने आश्वासन दिया कि समस्या के समाधान हेतु अभियान चलाया जाएगा। क्या ही कहूंगा कि क्योंकि वो जो है प्रशासनिक चूक के कारण जो है मौतें हो रही हैं लगातार। ये जो मौतें हो रही हैं लगातार जो है आवारा गौवंश, सड़कों में गड्ढे या नशे की वजह से हो रही है, इन सब में प्रशासनिक चूक है। आज जो हम विशेषकर आए हैं इन गौवंशों की टकराने से अभी अभी जो है 32 मौतें आज हो चुकी हैं। देखिए, आज जो यहाँ पर ज्ञापन दिया गौवंश को लेके दिया गया है, सरकार की पहल है कि गौवंश को बचाना, लेकिन सरकार इसमें पूरी तरह से विफल दिख रही है। जिस तरीके से आप देखिए हाईवे में आवारा सांडों को देखिए आए दिन जो है एक्सीडेंट हो रहे हैं, घरों के चिराग बिक गए हैं, नए नए बच्चे खत्म हो गए हैं, नए नए औरतों माँ की कोख खाली हो गई है और सरकार इसकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। न कहीं उनको जो है कोई उनको मुआवजा मिल पा रहा है, न उनके घरों में कोई ये सांत्वना देने जा पा रहे हैं। तहसील में जो है तहसीलदार महोदय को ज्ञापन देना था और जिसमें हमारे जो जयपुर खीमा, गंगापुर और पदमपुर देवलिया, सुखी भगवानपुर और धनपुर, तमाम जो है गाँव में जो आवारा पशु घूम रहे थे और जिसके कारण जो है काश्तकार को आए दिन जो है समस्या पैदा हो रही है। धान हो रहे हैं, धान खा जा रहे हैं, गेहूँ हो रहे हैं, गेहूँ खा जा रहे हैं, गन्ना हो रही है, गन्ना खा जा रहे हैं और ज़्यादा ज़्यादा कुछ नहीं मिला तो आदमी को ही मार जा रहे हैं। देखिए, आज क्षेत्रवासियों ने हमें ज्ञापन दिया था कि यहाँ पे जो काफ़ी हमारे आवारा जानवर हो गए हैं और उससे काफ़ी हमें उनकी जो खेती है उसे नुकसान पहुँच रहा है। क्षेत्र के जो लोग हैं इधर उधर जा रहे हैं, आवागमन कर रहे हैं, उससे भी हमें काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है। आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो इस संबंध में क्षेत्र के लोगों द्वारा काफ़ी आक्रोश भी व्यक्त किया गया और हमें ज्ञापन दिया गया। इस संबंध में प्रशासन द्वारा शीघ्र ही एक अभियान चलाते हुए जो भी हमारे जानवर हैं, हमारा जानवर हैं, उन्हें पकड़ते हुए उन्हें गौशाला भिजवाया जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, NIRF ranked for 5 consecutive years। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।